हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है पारस ज्योति कुक एंड ब्लॉग में। तो आज है 11 अक्टूबर और आज मैं बना रही हूँ दही और अरवा चावल की खट्टी मीठी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अरवा चावल ले लिया है। इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से, धो के इसको आधे से एक घंटे के लिए पानी में छोड़ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अरवा चावल को धो लिया है। अब इसमें मैं पानी डालकर इसको मैं आधे से घंटे के लिए छोड़ दूंगी फूलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं आधे से घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। कपड़े में यहाँ पे फैला देंगे सूखने के लिए। इसका पानी देखिए सूख चुका है और इसको चावल भी पतली है फ्रेंड, तो इसको मैंने एक घंटे के लिए नहीं रखी थी, आधे घंटे इसको सूख पर रखी थी, फिर इसको मैंने पानी से निकाल लिया था क्योंकि ये फूल चुकी थी। चलिए अब इसको मैं मिक्सी जार में लेके पीस लेती हूँ। चावल को यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सी जार में, अब इसको मैं पीस लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चावल को पीस लिया है और इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसको थोड़ी दरदरी रखनी है, देख सकते हैं। चलिए इसको मैं अब कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन में चावल के आटे को निकाल लिया है और यहाँ पे मैं ली हूँ दही और शक्कर, थोड़ी किशमिश, बादाम और ये गरी और थोड़ी सी यहाँ गेहूँ के आटे ली हूँ घर की है, इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा कुरकुरी खाना पसंद है आप इसमें गेहूँ के आटे नहीं मिला सकते हैं। आटे को डाल के मैं मिला लेती हूँ। अब इसमें मैं किशमिश रखी हूँ उसको डाल देती हूँ, बादाम रखी हूँ डाल देती हूँ और गरी। अब इसी में शक्कर डाल देती हूँ। आप चाहे तो शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं और इसी में मैं दही डाल देती हूँ। अब इसको मिला लेती हूँ। अब इसको कड़े टाइप में एकदम सानना है दोस्तों, इसको गीली नहीं करनी है। इसी तरह मैं मिला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिला लिया है इसको। चलिए अब मैं बनाती हूँ। यहाँ कढ़ाई मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, कढ़ाई गरम हो गई है। अब इसमें रिफाइन ऑयल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे रिफाइन ऑयल को मैंने डाल दिया है और देखिए गरम हो रही है, इसको मैं अच्छी तरह से गरम होने देती हूँ, फिर इसमें मैं गुलगुले को डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तेल गरम हो चुकी है, अब गैस को मैं कम कर देती हूँ। अब मैं हाथों में थोड़ी सी पानी लगा लेती हूँ, देखिए। अब इसको इस तरह लूँगी। इसी तरह मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ।
चलिए इसको एक तरफ से लाल होने देते हैं। जो पहले मैं दी हूँ वो लाल हो गई है फ्रेंड्स, देखिए और फूली भी है, देखिए कितना सुंदर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाल हो चुकी थी, मैंने पलट दिया था, अब ये पूरी तरह पक चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अगर आपको ज़्यादा कुरकुरे खाना पसंद है दोस्तों, तो इसमें मैंने जो गेहूं के आटे मिलाई थी आप वो नहीं मिलाइए, और अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने छोटी छोटी डाली थी, फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे जितने आटे हैं सारे को मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी दही की खट्टी मीठी रेसिपी बन के हो गई है तैयार, और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए ये सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। आप लोग भी इसी तरह घर में बनाइए और पूरे परिवार मिलके खाइए। मेरी छोटी छोटी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।